कि बीकानेर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगामी चुनाव के मद्देनजर ये दौरा जो है वह हो रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बीकानेर के अंदर कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसका आज शुभारंभ होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगात देने जा रहे हैं। इस बीच बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना के वारगन भी जाएंगे, वहां पर भी राजस्थान के बीकानेर के अंदर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरने के लिए जा रहे हैं। इस बीच वारंगल के अंदर अगर तेलंगाना की अगर हम बात कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख खंडों के सहित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले हैं। तो कहीं सारे आपको बता दें कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी आज स्वागत जो है वे मिलने जा रही है। तेलंगाना के अंदर भी दौरा है और साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान की बीकानेर के अंदर भी दौरा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी NH 563 के करीमनगर वारगनल खंड की 4 लेन की आधारशिला भी रखेंगे, यानी कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी बड़ी सौगात जो है वे मिलने वाली है तेलंगाना वासियों को। इस बीच पीएम एक सार्वजनिक बैठक में भी मौजूद रहेंगे, वहां पर भाग लेंगे और कहा जा रहा है कि वहां पर जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं, इसकी भी बड़ी संभावना है। तो इसके बाद वह वारगनल के अंदर राजस्थान के अंदर भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी अपडेट आप सभी को बता रहे हैं।